हेलो गाइस, वेलकम टू ड्यूअल क्लासेस। ड्यूअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज आपके लिए क्लोज टेस्ट पार्ट 7 लेकर के आया हूं। आज का जो हम पेपर सॉल्व करना है, इस क्लोज टेस्ट है आपके 18 फरवरी 2018 सीजीएल टीयर 2 का है। ठीक है, तो हमने क्लोज टेस्ट एक 18 फरवरी को कर लिया था पार्ट 6 में। आज हम दूसरा क्लोज टेस्ट करेंगे 18 फरवरी के मेंस वाले पेपर का। इसके पहले मैं बता दूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए 17 फरवरी के जो मेंस का पेपर है उसमें 5 क्लोज टेस्ट थे, जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हमने करवा दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। 18 फरवरी का दूसरा क्लोज टेस्ट अब ये रहा आपके सामने और इसको हमें आज सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले सिंगल रीडिंग एक बार कर लीजिए आप, उसके बाद फिर वन बाय वन सारे ऑप्शंस भर के और ख़त्म कर देंगे इसे। द जनरेशन गैप, जनरेशन मतलब पीढ़ियों में अंतर। जनरेशन गैप को आप समझ लेना चाहिए कैसे मतलब जनरेशन गैप होता क्या है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में। इज अनदर ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब होता है क्वालिटीज़। उन सभी क्वालिटीज़ में जनरेशन गैप भी एक है, दैट जो सेट होमो सेपियंस, जो होमो सेपियंस को अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों से अलग बनाता है। जनरेशन गैप एक ऐसी क्वालिटी है अन्य क्वालिटीज़ में जो कि होमो सेपियंस को अदर एनिमल्स से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। मतलब और बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनको अदर एनिमल्स से डिफरेंट बनाती हैं, बट वन क्वालिटी इज जनरेशन गैप। ठीक है, एक फीचर जो है वो जनरेशन गैप है। आगे पढ़ते हैं। इट इज डैश इफ एवर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ एपीज, एपीज बंदर की एक प्रजाति होती है, उसी के लिए उन्होंने कहा है, जो मतलब कहने आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की पुरानी जनरेशन, एक तरह से कह सकते हैं बहुत पुरानी पीढ़ी है ना। तो कह रहे हैं कि इट इज, अब क्या है ये, इफ एवर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ एपीज, अगर एपीज में जो सबसे इंटेलिजेंट है, एवर ब्लेम्ड, अगर उसने कभी भी आरोप लगाया हो इट्स जूनियर, अपने जूनियर्स को फॉर देयर, मतलब कि वो फॉर देयर वेज, अपने इस प्रकार के बर्ताव के लिए, मतलब कहने का एपीज का जो बर्ताव है उसने क्या अपने जूनियर्स के, अपने जूनियर्स को कभी इसके लिए ब्लेम किया है, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स पीपल हैव ट्राइड टू एनालाइज, कई सालों के बाद फिर लोगों ने क्या किया, कई सालों में लोगों ने हैव ट्राइड, प्रयास किया टू एनालाइज इट, इसको एनालाइज करने का, विश्लेषण करने का, एक्सप्लेन इसको, इसको इसकी व्याख्या करने का, अंडरस्टैंड इसे समझने का, एंड इवन इग्नोर इट, और फिर लास्ट में इसे इग्नोर भी कर दिया। बट इट मतलब जनरेशन गैप, मतलब जनरेशन गैप को बहुत सारे लोगों ने फिर क्या किया, एनालाइज करने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया, अंडरस्टैंड करने का भी प्रयास किया, फिर बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। बट इट रिमेंस, लेकिन जनरेशन गैप ये समाप्त नहीं हुआ, ये रिमेंस बना रहा, उसी तरह बना रहा, आज भी जनरेशन गैप है ना। रेडी टू, और तैयार रहा हमेशा टू, क्या करने के लिए, ईच जनरेशन, हर जनरेशन के, हर जनरेशन के साथ क्या करने के लिए तैयार रहा, एज, क्योंकि इट ट्राइज टू, ये प्रयास करता था, प्रयास कर रहा था टू इट्स ऑन अबाउट लाइफ लिविंग, अब लाइफ एंड लिविंग मतलब जीवन और लिविंग के लिए। अब देखिए आप ये कह रहे हैं, आप सोचते होंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, आप रहा था हर बार क्यों कर रहे हैं पास्ट में, क्योंकि ये जो है हमारे लिए पास्ट की है। तो आपको सही मीनिंग समझना है तो आपको पास्ट में जाकर के इसे पढ़ना पड़ेगा, ये रीजन होता है। स्टोरीज कभी कभी होता है सारी प्रेजेंट में लिख दी जाती हैं, ठीक है, कोई भी फैक्ट्स सारे प्रेजेंट में लिख जाते हैं, लेकिन रियल मतलब ये नहीं होता कि आप उसे प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो आपको मतलब निकलेगा, है ना। इट ट्राइज, वे प्रयास करता है, मतलब आज भी प्रयास करता है, नहीं ना, उस समय की बात है, तो पास्ट की बात है, जनरेशन हैं, पिछली बातें हैं, है ना, ये फैक्ट है जो यहाँ पर हमारे पास सामने लिखे, हम इसे पास्ट में पढ़ सकते हैं, ये जिस समय लिखे गए थे हो सकता है ये प्रेजेंट में रहे हों, लेकिन इस समय हमारे लिए पास्ट की चीज़ें हैं, इसलिए हम इसे पास्ट में जाके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, हम अपने समझने के लिए इसे पास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको व्यवहारिकता लानी पड़ेगी, हमेशा टेंस को ही फॉलो नहीं करना, टेंस फॉलो किए जाते हैं जब आपको ग्रामर चीज़ें देखनी हो, ठीक है। द जनरेशन गैप, अभी तो आपने समझ लिया कि होमो सेपियंस में जो क्वालिटीज़ होती है कि वो अन्य एलिमेंट से ज़्यादा है, इसके लिए जनरेशन गैप भी एक फीचर है, ठीक है आपका। इट इज़ क्या है, डैश इफ एवर, अब मैं आपको बता दूँ इफ से आगे शुरू है, तो इसका जो रीज़न है, इट इज़ श्योर इफ, यह सुनिश्चित है यदि, इट इज़ श्योर सर्टेन, ये मतलब यह इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, इफ से आया सेंटेंस, मतलब कहने का ये क्लॉज पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ क्या का सेंस पड़ेगा, जब आप जानते हो ना ऑरेशन में इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते, तो वही वाला है कि क्या एवन मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या कभी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो आपका एपी है उसने कभी ब्लेम किया है अपने जूनियर को, तो
इट इज क्या, ये सुनिश्चित है कि क्या, तो नो सेंस, इट इज श्योर, ये सुनिश्चित है क्या, मतलब यहाँ पर भी सर्टेन और श्योर तो इसलिए कट जाएंगे कि दोनों सेम मीनिंग, तो दोनों मतलब एक जैसे वर्ड है, तो एक को लेंगे तो दूसरा क्यों नहीं लेंगे। इट इज क्लासिफाइड, ये वर्गीकृत है, या इट इज डाउटफुल, ये संकेत। मैं आपको बता दूं, जब भी डाउटफुल आता है उसके बाद इफ क्लॉज लेते हैं, दैट क्लॉज नहीं लेते हैं, ये रूल है, आप देख लीजिएगा और मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए इस पर, मतलब कहने का कि, और आप न्यूज़पेपर में देखिए, ये मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि जैसे फ्रेज होता है ना कि जो पैटर्न रवैया अपनाने लगा वैसे ही, तो वैसे ही इसमें भी होता है कि जैसे सस्पेक्ट हो गया आपका संदेह के लिए और डाउटफुल के लिए, है ना, इन दोनों वर्ड्स के लिए अक्सर क्या होता है कि हमारा जो क्लॉज जुड़ता है दैट क्लॉज की बजाय इफ क्लॉज जुड़ता है, तो अगर इफ क्लॉज आया तो हमारा सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि ये यहाँ पर डाउटफुल होगा, अगर आप डाउटफुल मतलब कहने का यहाँ भर के फिर पढ़ते भी हो, इट इज डाउटफुल, ये संदेह है, अभी भी इसमें संदेह है कि एवर द मोस्ट इंटेलिजेंट, कि क्या कभी जो एपीज जो थे, जो सबसे बुद्धिमान एपी था, उसने कभी अपने जूनियर को ब्लेम किया है फॉर देयर वेज, अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए, किस प्रकार का, वो हम भरेंगे, मतलब कहने का क्या अभी अपने उसने अपने जूनियर को कभी ब्लेम किया है, यह अभी भी संदिग्धपूर्ण है, सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। तो डाउटफुल यहाँ पर वर्गीकृत है, कहाँ वर्गीकृत है, कोई कहीं भी पुरानी बातें वर्गीकृत नहीं होती, क्लासिफाइड नहीं होती, वो सिर्फ क्या एक बे आइडिया होता है मोटा माचा, है ना, 500 साल पहले या 550 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का क्या था, ये क्या इमेजिनेशन है केवल, ये यहाँ और उसका क्या है, छोटे मोटे प्रूफ से आप क्या एक स्टोरी बना लेते हो, लेकिन ये क्या है, पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, किस लिए ब्लेम किया है, इट्स जूनियर फॉर देयर, किस प्रकार की वेज, अब बताइए बंदर के जो होते हैं एपीज के कैसे बिहेवियर हो सकते हैं, ब्लिजार्ड मतलब तूफानी बिहेवियर हो सकते हैं, या वेवार्ड अजीबोगरीब बिहेवियर हो सकते हैं, और मोटिवेटेड मतलब उत्साहित भरे बिहेवियर हो सकते हैं, या पॉइंटेड, तो ये मोटिवेटेड और पॉइंटेड तो वैसे कट गया, कि वेज किसके, देयर मतलब एपीज के, एपीज के वेज कैसे हो सकते हैं, तूफानी अंदाज में नहीं हो सकते, वेवार्ड अजीबोगरीब वेव होते हैं, कभी उनका मतलब कूदना, कभी कुछ करना, तो वेवार्ड मतलब बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार होना, इसके लिए क्या उन्होंने अपने जूनियर को कभी, अपने से छोटे को कभी मतलब ब्लेम किया है, आरोप लगाया है, ये क्या है, अभी भी संदिग्धपूर्ण है, मतलब कहने का। तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा, वेवार्ड वेस, इसके वेस कैसे होते हैं एपीज के, वो आपको भनना था, ब्लिजार्ड में और वेवार्ड में कंफ्यूजन है, तो ब्लिजार्ड जब आप जान रहे हैं अगर, तो ये तूफानी स्टे स्टॉर्म्स के लिए, स्नो स्टॉर्म्स वगैरह के लिए आता है, ब्लिजार्ड स्टॉर्म्स है ना, कोई ऐसी चीज जो भौकाल मतलब भूचाल लाके खड़ा कर दे, वो ब्लिजार्ड होता है। तो वेवार्ड यहाँ होगा, ब्लिजार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का तूफानी होता है तो वो वेवार्ड से काम चल जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका वेवार्ड होगा, मतलब कहने का उसने अपने जूनियर को क्या कभी अपने वेवार्ड वेज के लिए कभी ब्लेम किया है, तो ये अभी भी क्या है, संदिग्धपूर्ण है, संदिग्धता में है, यानी कि डाउटफुल है। आगे पढ़ते हैं, ओवर द ईयर्स कई सालों में लोगों ने इस पर एनालाइज किया, एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया, इवन इग्नोर इट, और इसे नजरअंदाज भी किया, बट इट रिमेन, इट मतलब जनरेशन गैप, लेकिन ये जनरेशन गैप क्या वैसा ही बना रहा, मतलब आज भी ये बना हुआ है, ठीक है, रेडी टू, और ये तैयार है क्या करने के लिए, ईच जनरेशन, हर जनरेशन को क्या करने के लिए, मतलब एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, असेंट सहमति देने के लिए, सस्पेक्ट संदिग्धता संदेह करने के लिए, या फिर कन्फ्रंट सामना करने के लिए, हर आज की हर जनरेशन में ये जनरेशन गैप मतलब कहने का दिखता है, मींस कहने का कन्फ्रंट करने में, एक्सेप्ट करने में, असेंट करने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में आज भी तैयार है, आज भी लोग जनरेशन गैप देख रहे हैं, है ना, तो मतलब कहने का यहाँ पे कन्फ्रंट आपका वर्ड सुटेबल होगा, आपको यही वर्ड भरना भी था कि इट इज़ अंडरस्टैंड इवन इग्नोर, इसको मतलब जनरेशन गैप को इग्नोर करने के बाद भी ये बना हुआ है और रेडी है ईच जनरेशन, हर जनरेशन का सामना करने के लिए, इनको कन्फ्रंट करने के लिए, ठीक है। तो आपने कन्फ्रंट भर लिया, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप देखेंगे एज, क्योंकि इट ट्राइज, ये प्रयास करता है टू डैश इट्स ओन अबाउट लाइफ एंड लिविंग, लाइफ और लिविंग के बीच में अपना क्या करने के लिए वो लिखना है, तो लाइफ अबाउट की, लाइफ एंड लिविंग के बारे में पहले आप पांचवा भर लीजिए, फिर चौथे में आपको हेल्प मिलेगी, मतलब कहने का हैप्पीनेस अबाउट लाइफ एंड लिविंग, वो अपने जीवन के बारे में हैप्पीनेस खुशी के लिए प्रयास करता है, या फिर स्टैंडर्ड्स के लिए, मानकों के लिए, लिविंग जीने के लिए, या पर्सपेक्टिव्स मतलब विचारधारा, आइडियाज विचारों के लिए, मतलब कहने का कि जो जनरेशन गैप है ये प्रयास कर रहा है अब क्या करने का, टू इट्स ऑन अबाउट लाइफ एंड लिविंग, जीवन और किस प्रकार से रहा जाता है इसके पर्सपेक्टिव को करने, कुछ के साथ कुछ करने के लिए प्रयास रहते हैं। अब देखिए इसमें दोनों एक साथ वर्ड भरने, इसलिए एक को हम सॉलिड नहीं कह सकते, अगर हम स्टैंडर्ड हैप्पीनेस लिविंग रखते हैं, लिविंग तो होगा नहीं क्योंकि लिविंग अबाउट लाइफ एंड लिविंग ये तो वैसे कट गया, ठीक है, हैप्पीनेस अबाउट लाइफ एंड लिविंग, जनरेशन गैप में हैप्पीनेस की कहाँ से बात आ गई,
जनरेशन गैप में विचारधारा की बात आती है, ना कि जनरेशन गैप में हैप्पीनेस और स्टैंडर्ड की बात भी आ सकती है, लेकिन हैप्पीनेस तो कोई मतलब नहीं है लिविंग लाइफ एंड लिविंग में हैप्पीनेस। अगर आप इन तीनों को होल्ड में रखते हैं, लिविंग तो वैसे काट देंगे, लेकिन बाकी तीनों को अगर होल्ड में रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा आपका। एक्यूमुलेट माने इकट्ठा करना, एसिमिलेट मतलब होता है विचारों को अंडर समझना, एनिहिलेट मतलब नष्ट कर देना, विनाश कर देना, फॉर्मुलेट माने निर्माण करना। तो विनाश करना तो पहले तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर विनाश करने के लिए कोई मतलब नहीं है। बाकी बचे क्या, एक्यूमुलेट बचा आपका, फॉर्मुलेट बचा, एसिमिलेट बचा। एक्यूमुलेट माने आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेट माने इकट्ठा करना हो गया आपका। फॉर्मुलेट माने क्या हो गया, फॉर्मुलेट माने आपका क्या, निर्माण करना, रूपरेखा देना, ठीक है। आपका एसिमिलेट होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ का मतलब कह रहे किसी चीज़ के किसी विचार को समझना, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पूरा मीनिंग एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आप यहाँ से कनेक्ट हो पाएँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि मतलब लोगों ने क्या किया, इसको विश्लेषण करने का प्रयास किया, इसको व्याख्या करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और इवन इसे इग्नोर करने का भी प्रयास किया, पर लेकिन क्या हुआ, इट रिमेन्स, ये बना रहा वैसे ही। क्या जनरेशन गैप, जनरेशन गैप आज भी बना हुआ है, रेडी टू, और वो तैयार है टू कन्फ्रंट ईच जनरेशन, हर जनरेशन का सामना करने के लिए, है ना। हर जनरेशन के सामने ये जनरेशन गैप दिखाई देता है, ठीक है। एज क्यों, क्योंकि इट ट्राइज, इसने प्रयास किया है। अब किस चीज़ का प्रयास किया, देखिए प्रयास किया है एक्यूमुलेट इकट्ठा करने का, फॉर्मुलेट निर्माण करने का, एसिमुलेट इकट्ठा मतलब कहने का समझने का। देखिए समझने का, अगर कोई चीज़ सब कोई व्यक्ति समझ रहा है तो वो नहीं बना रहता, बल्कि वो कोई एक्शन ले रहा है, कोई काम कर रहा है, इसलिए वो अंत समय तक बना रहता है। तो अगर जनरेशन गैप आज भी बना है तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, या तो उसने फॉर्मुलेशन किया होगा, या तो उसने एक्यूमुलेट इकट्ठा किया होगा। लेकिन एसिमिलेट मतलब कहने का अंडरस्टैंड द आइडिया, किसी विचार को समझ करके और कोई मतलब जनरेशन गैप ठीक नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि जनरेशन उसमें खुद में चेंज आने लगते हैं। अगर कोई आप किसी की आइडियोलॉजी को समझते हो तो आपके खुद में चेंज आने लगते हैं, तो समझने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने फॉर्मुलेट करने का प्रयोग किया होगा, या तो इकट्ठा करने का मतलब प्रयास किया होगा कोई चीज, तभी वो आज तक टिका हुआ है। अब इकट्ठा करने का या फॉर्मुलेट करने में दोनों में से कौन सा हो सकता है, ये आपको चूज करना है। तो अब आप यहां देखेंगे इट्स ऑन क्या, अब अपना खुद का स्टैंडर्ड इकट्ठा या फॉर्मुलेट करने का, तो अपना खुद का मानक जो होता है ना, वो व्यक्त करने का मतलब एक तरह से फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया है। अब या फिर आप कह रहे हैं कि पर्सपेक्टिव, अपने खुद के विचारों को फॉर्मुलेट निर्माण करने का, या अपनी खुद की मतलब एक समझ व्यक्ति विकसित करने का प्रयास किया है। तो अब ये हाइपोथेटिकल चीज़ें, देखिए समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज अब इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को क्या होता है वहाँ पर छोड़ना टाइम बेहतर होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर टाइम की प्रॉब्लम है, और 200 क्वेश्चन करने में टाइम की प्रॉब्लम तो बनी ही रहती है। अगर आप समझ, अब तो आपके पास फ्री टाइम है तो आप समझ सकते हैं ना, तो इस टाइम आप समझने की कोशिश करिए, ताकि अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आए तो आप उसे टैकल करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो पाए, ठीक है। तो ये प्रयास कर रहा था टू ईच जनरेशन, मतलब कहने का हर पीढ़ी ने इसके साथ मतलब कन्फ्रंट किया, एज क्योंकि इट राइज, इसने प्रयास किया टू फॉर्मुलेट इट्स ऑन पर्सपेक्टिव्स अबाउट लाइफ एंड लिविंग, इसने जीवन और उसकी रहन सहन दोनों के बीच में जो आइडियाज हैं, जो उसके विचार हैं, या फिर कह सकते हैं किस प्रकार से जीवन जिया जाता है, इन सभी के बीच में जो आपसी तालमेल है, इसको फॉर्मुलेट, इसके निर्माण पर इसने बल दिया, इसका प्रयास किया, इसलिए ये आज भी टिका हुआ है और आज भी जनरेशन गैप देखा जा रहा है। अगर हम कहते हैं एक्यूमुलेट करना, तो एक्यूमुलेट करना क्या होता है, खुशियाँ इकट्ठा करना। तो आप बताइए जनरेशन गैप का खुशियाँ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं, या तो ये क्या करें, विचारधारा जनरेशन गैप कब बना रहता है, जब जनरेशन गैप तब बना रहता है जब आपकी सेम आइडियोलॉजी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, आपका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, तब जाकर के जनरेशन गैप बना रहता है, ठीक है। तो वो जनरेशन गैप क्या है, स्टैंडर्ड्स और पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो हैप्पीनेस तो वैसे कट गया, अब स्टैंडर्ड मानक को बना करके रखा, तो मानक बना करके नहीं रखता बल्कि अपनी विचारधाराओं को बना कर रखता है। मानक क्या, एक स्टैंडर्ड क्या होता है, ये थोड़ा ना स्टैंडर्ड होता है कि जनरेशन गैप अगर इतना होगा तभी जनरेशन गैप बना रहेगा, चेंजेस तो हो ही रहे हैं, तो मानक तो बना है ही नहीं, लेकिन विचारधाराएं जो मानसिक एक तरह से आइडियोलॉजी होती है वो बनी रहती है। तो इसलिए आपका यहाँ स्टैंडर्ड भी कैंसिल हो जाएगा, और स्टैंडर्ड और पर्सपेक्टिव काफ़ी क्लोज है, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हर समय हर आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड एक जगह फिक्स्ड होता है, एक लेवल फिक्स होता है। तो जनरेशन गैप के बने रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसकी जो सोच और नज़रिया है रहन और सहन का, वो सबसे ज़्यादा उसका निर्माण एक जगह स्थिर हो जाए, है ना। मतलब कहने का वो जो रवैया है वो एक निश्चित रूप से बना रहा है। तो जनरेशन गैप को बनाए रखने के लिए वो जनरेशन गैप ने किया क्या, इसने प्रयास किया है फॉर्मुलेट करने का, मतलब निर्माण करने का, इस ऑन अपनी खुद की पर्सपेक्टिव, अपने खुद के विचारों को निर्माण करने का प्रयास किया अबाउट लाइफ एंड लिविंग, जीवन के बारे में। तभी ये क्या कर रहा, बना रहा, इसको इग्नोर किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये
आज की जनरेशन में दिखाई देता है जनरेशन गैप, ठीक है। तो ये था क्लोज टेस्ट। नीचे के जो दो, ये तीन, मतलब कहने का कन्फ्रंट काफ़ी हद तक, और सबसे ज़्यादा फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके लिए मतलब टिपिकल है, इनको समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया, आप दोबारा रिपीट करके इन दोनों वर्ड्स का पर्टिकुलर मीनिंग और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिससे आई अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो ये बेहतर है। और ये कोई मतलब इशू है नहीं, क्योंकि ऐसे पैसेज एक कम से कम क्लोज टेस्ट आता है, और सलाह यही दी जाती है चाहे जितना अच्छा टीचर हो कि ऐसे क्लोज टेस्ट में फंसना नहीं चाहिए, इनको लास्ट में करिए अगर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी के दो महीने, दो वर्ष, तीन वर्ष तो आप भर ही सकते हैं आराम से। तो तीन वर्ष को भर करके बाकी के दो वर्ष आप छोड़ना आपके लिए बेहतर होता है। रिस्क लेना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेज आपके 70% होते हैं, 80% चांसेज होते हैं गलत होने के, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसे रिस्क नहीं लेना होता, बेहतर ये है कि आप इसे स्किप कर दीजिए। अगर आप कर पाते हैं और इतना रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप बिल्कुल इसे करके आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नया क्लोज टेस्ट लेकर के आएंगे, कुछ नई चीज़ें आपको कैसे समझना है वो बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।